हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर इवेंट्स के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट चल रहा है रेटलो सीरीज़ का, और इसकी ऑलरेडी मैंने पहले 3 वीडियो डाल रखी है, तो उनको जाके एक बार देख लेना आप अच्छे से। होप आपने देखी होंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपसे ओलंपिक गेम्स, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, याद रखना ये चीज़। कई लोग कमेंट करते हैं, सर आप आधा बताते हो आधा नहीं बताते हो। देखो, आधा बताने का मतलब मेरा यही है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, ये कहने का मेरा मतलब है। जो मैं बता रहा हूँ वो तो अपना बता ही रहा हूँ, ठीक है। ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करें कि ओलंपिक गेम्स 2016 कहाँ होने वाले, ये आपके हुए थे रियो डे जेनेरियो में। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि 2022 वाले यानी कि 2020 के हो और पोस्टपोन हो के 21 में आपके कहाँ होने वाले हैं, वो आपके टोक्यो ओलंपिक्स में। साथ में ही टोक्यो ओलंपिक्स में आपका मोटो पूछ लेगा। मोटो क्या है? मोटो क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन मोटो है आपका। और आपसे ओलंपिक के बारे में पूछ लेगा कि कब से कब तक होता है। अगस्त के महीने में ये होते हैं मोस्टली, ठीक है। अभी भी अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम मेडल्स इन ब्राज़ील, यानी कि रियो ओलंपिक्स में सबसे मैक्सिमम मेडल किसने जीते थे, तो ये यूएसए ने जीते थे, ठीक है। यूएसए के साथ साथ में ही आपके यूएसए में देख लें कितने सारे मेडल आपके आए थे। मैं एक क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ इसमें जो दे रखा है कि चाइना, इन्होंने सेकंड जीता था, ये आपका सेकंड चाइना ने नहीं जीता था, सेकंड आपका था ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन ने आपके जीते थे टोटल 27 गोल्ड, 23 सिल्वर और 17 ब्रोंज, तो टोटल मिला के बन गए थे इनके 67 मेडल। थर्ड नंबर पे थे आपका चाइना, जो कि 26 गोल्ड, 18 सिल्वर और 26 ब्रोंज। तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, सॉरी सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड नंबर पे चाइना और फोर्थ नंबर पे रशिया आपका रहा था। जापान का भी नंबर पूछ सकता है क्योंकि जापान में अभी होने वाले हैं, तो जापान था दोस्तों आपका 6th नंबर पे। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में पदक दिलाया इंडिया को, तो ये आपकी थी वेटलिफ्टर करनाम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ की रहने वाली थी। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया था सिडनी ओलंपिक्स जो 2000 में हुए थे आपके, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फर्स्ट महिला ये पूछ रहे हैं आपकी, अगर फर्स्ट मैन की पूछ लें मेल की तो केडी जादव, ठीक है, याद रखना कि केडी जादव ये आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आज़ाद भारत के केडी जादव। वैसे हमारे अगर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल देखें तो आप कभी भी स्टार्ट कर लें इस चीज़ को, यानी कि आप इस चीज़ को ले लें, 1928 में पहला आपका गोल्ड मेडल आया था हॉकी में, 28 के बाद लगातार यानी कि हर चार साल में ओलंपिक होते हैं, तो 32, 36, 48, 52, 56, यहाँ तक यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू 6 गोल्ड थे, और फिर दो बार और गोल्ड आए 1964 में और एक 1980 में, तो टोटल 8 गोल्ड मेडल हॉकी में है खाली, एक आपके शूटिंग में है गोल्ड मेडल बीजिंग में जो आया था, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा यानी कि 124 इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और कई ऐसे गेम्स हैं जिनमें पहली बार कोई हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि आपके फेंसिंग में, ठीक है, तलवारबाजी में आपकी भवानी देवी पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो पहली बार कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको सारे ही एथलीट्स की, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अगर मान लीजिए एशियन गेम्स का भी पूछ ले आपसे, क्योंकि एशियन गेम्स भी अभी 2018 में हुए थे, तो इसमें चाइना फर्स्ट था, चाइना ने गोल्ड लिए थे 132 गोल्ड, सेकेंड नंबर पर जापान था, थर्ड नंबर पर
कोरिया, और भारत का स्थान था इस पे 8वें नंबर पर, जिसमें 16 गोल्ड थे टोटल। वैसे 70 मेडल आए थे जिसमें से 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रोंज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जहाँ पर फर्स्ट आ गया वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। फर्स्ट इंडियन बताओ जो बैन हुई थी आपकी स्टेरॉयड लेने पे ओलंपिक गेम्स में, तो ये थी आपकी टी सनामाचा चानू, ये आपकी भारतोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। 58 किलोग्राम वर्ग में ये खेलती थी और ये डोपिंग में पॉजिटिव पाई गई थी, इनको बैन कर दिया गया था, ठीक है। और डोपिंग का अगर मैं बता दूं तो इंडिया में नाडा कमाल संभालती है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड में आपकी वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि नाडा ये आपकी जो इंडिया की है वर्ल्ड, उसका एक तरीके से अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं पे वाडा का अगर पूछ ले वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का, तो उसका हेडक्वार्टर है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैड होस्टेड द लास्ट विंटर ओलंपिक्स, तो लास्ट विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट कहाँ हुए थे, तो आपको याद रखना रशिया में हुए थे। रशिया के कौन से में, कैमोनिक्स शहर में, CAMONIX, कैमोनिक्स शहर में आपके फर्स्ट टाइम हुए थे। कब हुए थे, 1924, यानी कि हॉकी का जब मेडल आया था फर्स्ट टाइम 1928, उससे 4 साल पहले, ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखना 2014 वाले आपके हुए थे रशिया में, ठीक है, सोची रशिया। उसके साथ साथ में ये लिस्ट है, ये भी आप पढ़ सकते हो एक बार। लेकिन अगर हम आगे की बात करें कि आगे कब होने वाले हैं, कौन से होने वाले हैं, तो सूची के बाद में आपके 2018 में हो चुके हैं, दैट इज़ 2018 के कौन से हुए थे, प्योंगचैंग शहर में। प्योंगचैंग साउथ कोरिया का शहर है, साउथ कोरिया का, ठीक है, प्योंगचैंग में हो गए थे। उसके बाद में 2022 वाले होने वाले हैं, दैट इज़ इन बीजिंग चाइना में। 2026 के कहाँ होने वाले हैं, मिलन, ठीक है। 2026 के कहाँ पे है मिलन, दैट इज़ इन इटली, ओके। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, बहुत ज़्यादा फेमस है रोम, रोम के बाद ये फेमस है आपका इटली का ये शहर मिलन, ये भी बहुत फेमस है। तो ये 2016 की बात हो रही है, अभी हम 2020 के ऊपर फोकस करते हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक तो टॉप यानी कि ओलंपिक प्रोग्राम जो है उसके बहुत सारे पार्टनर हैं, जैसे कि अलीबाबा ग्रुप जो है, एयरबैन ये भी ग्रुप है, कोका कोला, ठीक है, इसका नाम सुना होगा, इंटेल का नाम आपने सुना होगा, इंटेल, ओमेगा, पीएनजी, सैमसंग, और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि आपकी पार्टनर है, जैसे कि वीज़ा होगी, टोयोटा होगी, पैनासोनिक, ये सारी पार्टनर हैं। इसी के साथ साथ में एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, दैट इज़ कि IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आपके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है आपके, दैट इज़ थॉमस बैक हमेशा से, मतलब बहुत सालों से ये प्रेसिडेंट के पद पे हैं और प्रेसिडेंट हैं। अगर इसका पूछ ले आपसे हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका वो है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में, ठीक है, लुसाने शहर में, मोस्टली स्विट्जरलैंड में आपके सभी के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, यानी कि इंडिविजुअल ट्रैक में इवेंट में क्वालिफाई करने वाली पहली ऐसी कौन सी थी इंडिविजुअल ट्रैक में, तो वो 400 मीटर के लिए पहली बार क्वालिफाई किया था आपके MD वेल्समा, ठीक है, वेल्समा ने, और इन्होंने पहली बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, लॉस एंजलस जब ओलंपिक्स हुए थे 1984 में, उस टाइम पे, बट मेडल इनका कुछ नहीं आया था, क्वालिफाई करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंशियंट ओलंपिक सबसे पहले कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे, 776 BC में और 393 AD में ये एबोलिश हो गए थे, यानी कि बंद हो गए थे, बैन कर दिया था इनको थियोडिसिस ने।
और साथ में ही बात कर लें इसी के साथ में, जो आपके पियरे डी कोबर्टिन थे, इन्होंने वापस से आपके गेम्स को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहा जाता है, पियरे डी कोबर्टिन को। ठीक है, इन्होंने एक फ्लैग दिया जिसमें आपके टोटल 6 कलर थे। 6 कलर इसलिए क्योंकि 5 तो आपके छल्ले के कलर हो गए, ठीक है, 5 आपके छल्ले रहते हैं और एक वाइट कलर का सिल्क का फ्लैग रहता है। तो ये कलर भी पूछ सकते हैं, बी यानी कि ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये आपके कलर रहते हैं। और ओलंपिक्स आपके अभी कब कब ऑर्गेनाइज हुए, कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज हुए, सिडनी ओलंपिक्स जो आपके 27th नंबर के थे, अभी जो होने वाले हैं वो आपके 32वें नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 2020 में जो आपके जो 21 में होंगे अभी पोस्टपोन होके, ठीक है, टोक्यो में, वो आपके 32वें नंबर के हैं। तो ओलंपिक्स के बारे में एक दिलचस्प बात ये बन जाती है कि होने कब से कब तक हैं, तो ये 30 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक आपके होने वाले हैं 2021 में। इसका शेड्यूल जो पहले वाला था, यानी कि जो 2020 में होने वाले थे, वो 24 से लेके आपका 9 अगस्त तक होने वाले थे, पर अभी जो रीशेड्यूल है वो इस तरीके से है। आपके 16 दिन के गेम होते हैं, टोटल 16 डेज़ के गेम होते हैं, ये भी याद रखना। उसमें से 14 डेज ही एक्चुअल में आपके टूर्नामेंट होते हैं, फर्स्ट डे में आपकी ओपनिंग सेरेमनी, सेकंड लास्ट डे में आपकी क्लोजिंग सेरेमनी, 14 दिन का आपका गेम पूरा कंप्लीट 16 डेज। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि जो आपका जापान है, इसमें पहले भी एक बार आपके ओलंपिक हो रखे हैं, दैट इज़ टोक्यो ओलंपिक जो आपके हुए थे, वो पहले हुए थे 1964 में और अभी दोबारा से हो रहे हैं 2020 में, यानी कि। और इसी के साथ साथ एशिया की ये ऐसी कंट्री बन जाती है जो दो बार होस्ट करने वाली पहली, टू टाइम होस्ट करने वाली पहली कंट्री है ओलंपिक्स के आपके, जापान। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका मोटो अगर आपसे पूछ ले, तो ये मैंने बता दिया आपको मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा अगर आपसे पूछ ले मास्कट क्या है, मास्कट तो आपका मिराइटोवा दैट इज़ मास्कट। और ऊपर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ फर्स्ट टाइम 3x3 बास्केटबॉल ये ऐड होने जा रहा है इसमें, फ्री स्टाइल BMX ये ऐड होने जा रहा है, और बताता हूँ दो तीन गेम और है, दैट इज़ मेडिसिन साइकिल ये भी ऐड होने जा रही है, और भी बहुत सारे गेम हैं जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग के साथ साथ में एक बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, ये पहले से भी थे बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, 2008 के बाद इन्हें हटा दिया गया था, 2008 से अब ये दोबारा से वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वो वॉन द मेडल, इंडिया मेडल इन कौन कौन से गेम में जीता था, लंदन की बात कर रहा है, लंदन में आपके टोटल 6 मेडल आए थे। ये क्वेश्चन ही गलत है आपका एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ही ठीक हो जाएंगे आपके अगर देखें तो, ठीक है, क्योंकि इनमें सभी में आए थे आपके, क्योंकि ये ऑप्शन कटेगा बस, 6 मेडल आए थे टोटल। मैं आपको गिना देता हूँ 6 मेडल कौन कौन से थे, 2 सिल्वर थे, एक आपका विजय कुमार शूटिंग में, सुशील कुमार रेसलिंग में 2 सिल्वर, उसके साथ सारे 4 ब्रॉन्ज थे आपके जितने भी थे, तो 6 मेडल थे टोटल, 4 ब्रॉन्ज में से एक गगन नारंग का ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है, साइना नेहवाल का ब्रॉन्ज मेडल था, मैरी कॉम का, और योगेश्वर दत्त का एक ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है, फ्री स्टाइल में। तो ये टोटल 6 मेडल थे। पूछ रहे 2012 में सबसे ज़्यादा ओलंपिक में पदक किसने जीते थे, तो ये USA ने जीते थे, नो डाउट। माइकल फिलिप्स द्वारा कितने मेडल जीते गए रियो ओलंपिक में, तो 6 गोल्ड मेडल माइकल फिलिप्स ने जीते थे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, यानी कि इसमें आपको नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से सारे आपके मैच हैं और ऐसा ढूंढना है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो, दैट इज़ साक्षी मलिक आपको पता है रेसलर है, कृष्णा पुनिया ये आपके वुमेन डिस्कस थ्रोअर है, योगेश्वर दत्त ये आपके रेसलिंग के हैं, बॉक्सिंग के नहीं हैं, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है, ये याद रखना। अगला पूछ रहे हैं कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, तो ये आपके हैमिल्टन में हुए थे 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो है,
ओलंपिक गेम्स के ऊपर, एशियन गेम्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है मेरी, देख लेना एक बार जाके। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि इंडिया ने कितनी बार ऑर्गेनाइज करा है इसके क्या कहते हैं आपके एशियन गेम्स को। तो ये आपके दो बार ऑर्गेनाइज हो चुके हैं इंडिया में, शुरुआत ही इंडिया ने करी थी, दिल्ली ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था 1951 में, किसने होस्ट कराया था ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके 9th एडिशन फिर आपके हुए थे 1982 में एशियन गेम्स के, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ 18वें एशियन गेम्स अभी हुए हैं आपके, ठीक है, 18वें एशियन गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया, इससे पहले हुए थे 2014 में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका रिस्पॉन्सिबल किसको जाती है, तो ये जीडी सोंधी है, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं फादर ऑफ एशियन गेम्स, इन्होंने ही रिवाइवल किया, इन्होंने ही शुरुआत करी, इन्होंने ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस चीज़ को उठाने की, मीटिंग हर चीज़ को, जीडी सोंधी, ठीक है, गुरुदत्त सोंधी बोलते हैं इनको, ओके, ये फादर ऑफ एशियन गेम्स भी बोल सकते हैं आप इनको। फिर से एक क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, दैट इज़ फर्स्ट टाइम आपका 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कौन से कंट्री में हुए थे, ये आपके हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, फर्स्ट टाइम ये होस्ट हुए थे आपके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब बाकी के चैप्टर्स हम कल करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल वी मीट स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाकी के जिसको चाहिए PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ओके, गुड नाइट।